हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज लेकर आई हूँ फिर से एक कमाल की वीडियो, बहुत ही यूजफुल टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चैनल पे एक बार आप आ ही गए हैं तो चैनल को एक बार विजिट भी जरूर कीजिएगा। बहुत ही कमाल के टिप्स मैं आपको बताती हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। पहला यूजफुल टिप मेरा तवे से जुड़ा हुआ है। हर घर में इस तवे का यूज किया जाता है। अच्छा, ये जो नॉनस्टिक तवा होता है ना, आप भी क्या यूज करने के बाद इसे डायरेक्ट धोने में डाल देते हो? ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये जो नॉनस्टिक तवा होता है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। आपने क्या करना है, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, ये जो गर्म तवा होता है या कोई सा भी नॉनस्टिक बर्तन जिसपे कोटिंग की हुई है, उसके ऊपर आपने पानी नहीं डालना है। कोशिश कीजिएगा इसे रूम टेम्परेचर पर आप आने दे, उसके बाद ही आप इसे किचन सिंक में डालें। पानी आपने गर्मा गर्म पे बिल्कुल नहीं डालना है। जैसे ही आप डालेंगे इसका कोटिंग निकल के बाहर आ जाएगा। छोटा सा हैक है पर आपके पैसों की बचत करता है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। क्या आपके साथ भी ये दिक्कत होती है कि सूजी में लम्स आ जाते हैं या कीड़े बढ़ जाते हैं? तो देखिए, आप कोई सी भी रेसिपी सूजी से जुड़ी हुई बनाइए, आपको सूजी को भूनना जरूर होता होगा। तो कोशिश कीजिएगा ये जो सूजी है ना, इसे आप भून के ही रखें। आप अगर इसे भून के थोड़ा सा पका के रखते हैं तो इसमें कभी भी आप कीड़े नहीं दिखेंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक है, जरूर ट्राई आउट करके दिखिएगा। तो जस्ट मैंने आपके सामने ही इस पॉलीबैग को खोला है। अभी हम राशन लेकर आए हैं और इसे भरने से पहले मैं इस ट्रिक को जरूर अपनाती हूँ ताकि इसमें लम्स नहीं आए, क्योंकि सूजी एक ऐसा अनाज है जो कि बहुत जल्दी कीड़ा पकड़ता है। थोड़ा बहुत भी अगर इसे हवा लगा तो ये कीड़े पड़ने में 15 दिन का भी टाइम नहीं लगाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसे अच्छे से पहले रोस्ट कर लें रूम टेम्परेचर पर, जब ये आ जाए इसके बाद में आपने इसे कंटेनर में भर के रख देना है। साल भर तक आप बिना टेंशन इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। कोशिश कीजिएगा इसे पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर ही आने दें। जब ये अच्छे से बढ़िया ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपने कंटेनर में भरना है। गर्मा गर्म अगर आप इसे भरते हो तब भी इसमें कीड़े हो सकते हैं। तो इन छोटे से ट्रिक्स को आप जरूर अपनाएं सूजी को स्टोर करने के लिए। अगला यूजफुल हैक मेरा कॉइल के बचे हुए टुकड़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉइल के टुकड़े हैं, ये आपके घर में भी अगर रहते हैं या इस तरीके से टुकड़े टूट जाते हैं तो अक्सर ना हम इसका यूज नहीं करते, सोचते हैं कचरा है और ये अक्सर हमारे घर में पड़े रहते हैं या डस्टबिन में हम इसे फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो कॉइल के टुकड़े हैं आपने इन्हें जला लेना है। इन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि इसे हम पैसा खर्च करके लाए हैं, तो इन टुकड़े को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना इसके स्टैंड के। कैसे? तो पहले तो आप देख सकते हैं मैंने कॉइल को यहाँ पे जला लिया है। इसका जो सिरा है वो आपने पकड़ना है। आपने लेना है क्लोथ क्लिप। ध्यान रखिएगा आपने जो क्लोथ क्लिप लेना है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉइल पूरी तरीके से जलता है। कोशिश कीजिएगा आप स्टील वाले क्लोथ क्लिप ही लें और उसका ही आप यूज करें। इस तरीके से आपने लगा देना है। आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, अगर ये एक बार में नहीं टिकता है तो आप दूसरा क्लोथ क्लिप भी इसके पास में लगा सकते हैं। अच्छे से ये टिक जाता है, जैसे मैं आपको करके दिखा ही रही हूँ। इस तरीके से आप छोटे से छोटे टुकड़े का यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपका जो पूरा पैसा है ना उसको आप वसूल कर सकते हैं। ये हैक भी बचे हुए टुकड़ों को यूज करने के लिए सबसे बेस्ट है। अगला यूजफुल हैक भी मेरा क्लोथ क्लिप से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्लोथ क्लिप है ना टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलती है। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस क्लोथ क्लिप को आपको ठीक से संभाल के रखना जरूर आना चाहिए। आपके घर में पानी की खाली बोतल जरूर होगी। बोतल को आप कट कर लीजिए, उसके अंदर आप इसे रख सकते हैं और टाइम पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आपके पास कुकर की जो गास्केट है खराब हो चुकी होती है, इसका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जितना भी क्लोथ क्लिप है वो आराम से इसके अंदर बैठ जाता है। बहुत अच्छे से ये आपको टाइम पे और सामने ही बिल्कुल मिलेगा। तो जहां पे भी आपका कपड़े धोने का काम होता है, वॉशिंग मशीन के पास में आप इसे लगा दीजिए। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। बेकार पड़ी गास्केट का भी अच्छे से यूज हो जाएगा और ये जो क्लोथ क्लिप हमें टाइम पे नहीं मिलती है ना, ये भी अच्छे से आपको बिल्कुल सामने ही मिल जाएगी। और देखने में भी ये मैसी नहीं लगती है, देखने में काफी अच्छा इसका लुक आता है। तो ये भी एक कमाल का हैक है, इसे भी आप जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ड्राई फ्रूट को हर घर में यूज किया जाता है। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, अगर आप इस ड्राई फ्रूट को भी कुछ देर के लिए बाउल में छोड़ देते हैं या सोचते हैं हम अगले दिन यूज करेंगे, तो आपने देखा होगा इसके आसपास भी ना चींटियां बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप अगर गलती से चींटी आ गई है या चींटी ना आए, इन दोनों ही तरीके में आप चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। आपने आधी चम्मच से भी कम चाय पत्ती लेनी है और इस ड्राई फ्रूट के ऊपर डाल देना है। इसके अलावा आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। ये जो चाय पत्ती की स्मेल होती है ना, ये चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट के अंदर से चींटियों को बाहर निकाल सकते हैं और अगर आपको
सकता है कि चींटियां आ जाएगी, तब आप चाय पत्ती को इस कंटेनर के अंदर जिसमें भी आप ड्राई फ्रूट को रखते हैं इसमें भी आप आराम से चाय पत्ती को डाल सकते हैं। चाय पत्ती का स्वाद ड्राई फ्रूट के अंदर बिल्कुल नहीं आता है और चींटियां इससे दूर भागती रहेगी। ये भी बहुत कमाल का हैक है गर्मियों के लिए, तो इसे भी आप करके देख सकते हैं। अगला इस फुल हैक मेरा गुड़ से जुड़ा हुआ। ये जो गुड़ होता है ना हर घर में यूज होता है, और अगर आप शुगर खाते हो ना रेसिपी में, किसी भी रेसिपी में अगर आप यूज करते हो, तो कोशिश कीजिएगा शुगर को ना के बराबर आप खाने में यूज ले, इससे बहुत सारी बीमारियां पनपती है। तो आप जितना हो सके गुड़ का यूज कीजिएगा, गुड़ से शायद ही कोई बीमारी होती होगी, पर इसे भी हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। ये जिस भी प्लास्टिक पैक में आता है आपने कोशिश करना है इसमें से आपने नहीं निकालना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े मत कीजिएगा। जितनी बड़ी साइज में आता है ये उसी साइज में आप रखिएगा, इसके साइज के अकॉर्डिंग आप कंटेनर ले लीजिए और इसमें आप रखिए, आप देखेंगे ये साल भर तक खराब नहीं होता है। चाहे तो आप न्यूज़पेपर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, इसके बाद भी आपने देखा होगा इसके आसपास भी चींटियां आ जाती है। तो देखिए इसे भगाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, आप उसे जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। मेरे को तो इस गुड़ के आसपास कभी चींटी देखने को नहीं मिली है, तो आपके लिए भी 100% वर्क करेगा। हमने लेना है सरसों का तेल, तेल हमें सरसों का ही लेना है, और यहाँ पे लेना है दूसरा इंग्रेडिएंट, वो है विनेगर। ये व्हाइट विनेगर जो सिरका होता है इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और सरसों के तेल की भी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इससे जो कीड़े हैं वो भागते हैं, स्पेशल जो चींटियां होती है उसे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अच्छे से आपने लिक्विड में इस तरीके से कॉटन को भिगो लेना है, या कोई कॉटन कपड़ा है उसके साथ भी आप ट्रिक को ट्राई आउट कर सकते हैं। इसका जो ढक्कन वगैरह है इसके ऊपर अच्छे से एक पतली लेयर आपने लगा देनी है। विनेगर की स्मेल से कभी भी चींटी डिब्बे के आसपास नहीं भिनकती है, तो आपके घर में जहां भी मीठा रखा हुआ है इस गर्मी के सीजन में इस ट्रिक को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा, चींटियां बिल्कुल नहीं आएगी। या आपको लगता है दरवाजे से, खिड़की से या किसी टाइल्स के कॉर्नर में से चींटी निकल रही है, वहां पे भी आप इस ट्रिक को ट्राई आउट कर सकते हैं। सर्विंग बोल का यूज हर घर में किया जाता है खाने को रखने के लिए। अच्छा, इस सर्विंग बोल में हम ज्यादातर क्या करते हैं, कभी कभार ना गर्मा गर्म खाना रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसका लीड ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसे उठाना ही एक बड़ा काम हो जाता है। खाना हम गर्म रख देते हैं तो खाना निकालने में भी दिक्कत हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और खाना रखने से पहले आपने इस ट्रिक को ट्राई आउट करना है, ठीक है, बाद में मत कीजिएगा नहीं तो इसे उठाने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको लगता है कि बाद में करने की जरूरत है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो लीड का ढक्कन है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ हैंडल जरूर मिलता होगा, गोल हो सकता है या इस तरीके से जैसे कि मेरे पास है, इसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर को पहना देना है। चाहे तो आप यहाँ रबड़ की मदद ले सकते हैं और इससे आपका जो सर्विंग बोल है वो ठंडा रहेगा, गर्मा गर्म भले कितना भी आप खाना रखिए इसको निकालने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है फास्ट कार्ट का हर घर में यूज होता है, और बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं जिनको फास्ट कार्ट की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद होती। पर्सनली मुझे फास्ट कार्ट की स्मेल बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं है, ना के बराबर मैं इसे यूज करती हूँ, फिर भी क्या करें, मच्छर इतने ज्यादा है कि इसका यूज हमें करना ही होता है। अगर आपको भी नहीं पसंद है तो आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। आपने लेना है यहाँ पर नॉर्मल जो अगरबत्ती हमारे घर यूज होती है पूजा घर में, उसको आपने इस पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से रोल करना है, थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए आप अच्छे से बढ़िया से रोल करेंगे ना तो देखिए ये अच्छे से इसके ऊपर लपेट जाएगा। इसके बाद में आप इस अगरबत्ती को जलाइए, और इससे दो फायदे हैं, एक तो जो स्मेल है वो कम हो जाती है, दूसरा ये जो फास्ट कार्ड है ना बहुत जल्दी जलता है। नॉर्मल तरीके से अगर आप इसे जलाएंगे ना तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी से जलता है और उतना बेहतर रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, पर अगर आप अगरबत्ती के साथ जलाते हो तो ये बिल्कुल अगरबत्ती की स्पीड से जलता है, बहुत तेजी से जल्दी जल्दी नहीं जलता है, और जो बैड स्मेल होती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी और आप मच्छरों को आराम से भगा सकते हैं। तो अगरबत्ती को मैंने जला लिया है, अगरबत्ती मैं यहाँ बुझा रही हूँ, इसके बाद में फास्ट कार्ट को हल्का सा बस टच कर देना है, हल्के हल्के से ये जलता रहेगा, स्मेल भी आपको नहीं आएगी और जो मच्छर है वो भी भाग जाएंगे। तो अगर आपको भी नहीं पसंद है स्मेल तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई आउट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। किचन में हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें, उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट हमारे साथ हो ही जाते हैं। किचन काउंटर पे तेल गिर जाता है या गैस स्टोव के ऊपर तेल गिर जाता है, तो हम इसे नॉर्मल जो तरीका है वो है कि किचन डस्टर लेते हैं और इसे वाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे जो किचन डस्टर है खराब हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल यूज में नहीं आते हैं। तो आप जो आटा लगाते हो ना उस आटे का जो सूखा हुआ आटा बचता है, यानी कि बचा हुआ आटा, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगली बार वो खाने में तो यूज आता नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस आटे को तेल के ऊपर डाल देना है, इससे क्या होगा
होगा, ये आटा पूरे तेल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। अच्छा, ये ट्रिक ना आप कपड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर किचन काउंटर से आपने तेल हटाना है या कहीं पे भी तेल गिर गया है, जरूरी नहीं है कपड़े पे भी आप ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जो तेल है अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, इसके बाद में डस्टर से नॉर्मल आप वाइप कीजिएगा। दो फायदे हैं, तेल भी आपका उठ गया है और जो डस्टर है ना ये खराब नहीं होता है। किसी भी सरफेस पे तेल गिरता है तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, डस्टर खराब नहीं होंगे और जितना तेल है वो अच्छे से वाइप हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यह है कि आपको पसंद आएगा। मैं आपको डस्टर खोल के भी दिखा रही हूँ, देखिए डस्टर बिल्कुल साफ है, एक दो बूंद जो तेल आप देख रहे हैं ना वो पहले से लगा हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा और इसे भी आप जरूर अपना के देखिएगा। अगला इस फुल हैक मेरा राशन से जुड़ा हुआ है। जब भी हमारे किचन में राशन वगैरह आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पैकेट में से सारा राशन निकाल के कंटेनर में फिल कर लेते हैं। अच्छा, इसे फिल करते हुए अक्सर कुछ गलतियां हमारे साथ होती हैं, अगर आपके साथ भी होती है तो आप इन ट्रिक को अपनाइए। जब भी आप कंटेनर को फिल करते हैं कोशिश कीजिएगा इसके नीचे प्लेट आपने रखना है। अगर आप प्लेट नहीं रखेंगे तो आप देखते हैं जरा सा भी अगर हमारा हाथ हिलता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ गलती से करके दिखा रही हूँ, तो आप देखेंगे अनाज है ना इस कंटेनर से बाहर आ जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। अच्छा, जब भी आप अनाज को रिफिल करते हैं तो कोशिश कीजिएगा एक तेज पत्ता इसके बीच में रख दें। तेज पत्ते की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इससे कीड़े नहीं आते हैं। तो ये दो ट्रिक मैंने आपको अनाज को रिफिल करते वक्त बताया है, तो उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक को आप यूज करेंगे और आपका जो काम है आसान कर लेंगे। ये दोनों ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है अनाज को स्टोर करने के लिए, स्पेशली जो दाल चावल होते हैं ना इनके लिए आप इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। नाम मात्र की दाल नीचे गिरी थी, वो भी मैंने आपको गलती से करके दिखाई थी, एक दो दाने हैं जो साइड में गिर गए थे। इन टिप्स को आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपका जो अनाज है लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल किचन काउंटर पे बिखरेगा भी नहीं। आसान से ट्रिक है, जरूर अपना के देखिएगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास ना थोड़ा अनाज एक्स्ट्रा आ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा जो पहले वाला अनाज है उसको पहले आप अच्छे से यूज कर ले, यानी पूरा खत्म हो जाए उसके बाद में ही आप कंटेनर को फिल करें। इस ट्रिक को आप जरूर अपनाइएगा। अगर पहले से इसमें कुछ अनाज रखा हुआ है और आप फिर से अनाज भर देते हो तो जो पहले वाला अनाज है ना वो नीचे की तरफ ही दबा रह जाता है, जिसकी वजह से वो यूज नहीं हो पाता है, फिर अगेन हम यही गलतियां दोहराते रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा पहले जो कंटेनर में अनाज है उसको आपने यूज करना है। उम्मीद करती हूँ ये हैक्स आपको पसंद आए होंगे। देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल ट्रिक। गर्मियों का सीजन आते ही इस तरह की बोतल का घर में यूज होता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पूरी बोतल को भर देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, इससे जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ता है, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, हो सकता है शायद इसमें ब्लास्ट भी हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा आपने पूरी बोतल भर के कभी फ्रीजर के अंदर नहीं डाली, कोशिश कीजिएगा आधी बोतल भर के ही आप यूज करें या फ्रिज में रखें, इससे जो पानी है वो अच्छे से बढ़िया से ठंडा हो जाता है, ऊपर से आप इसे पानी ऐड करके डायरेक्ट पी सकते हैं। लेकिन पूरी ही बोतल अगर सेट हो जाएगी तो वो पानी पीने में भी नहीं आएगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बोतल ब्लास्ट हो जाए। अगला यूजफुल हैक मेरा रबर से जुड़ा हुआ है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके पास ये रबर जरूर होगा। क्या ये काला हो जाता है? तो इस ट्रिक को आप अपनाइएगा। सरसों का तेल लेना है और इसके ऊपर अलसे से इस तरीके से लगा लेना है। आप चाहे तो कोई कपड़े का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टॉवल का यूज किया है, हैंकी वगैरह का, तो इसके अंदर ना आप इसे लीजिए और हल्के से रब करिए। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, एक मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा और जो रबड़ है ना अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि जब गंदे रबड़ होते हैं ना तो बच्चे इसे यूज नहीं करते हैं। मेरे घर में तो स्पेशल ये प्रॉब्लम है कि रबड़ अगर जरा सा भी काला हुआ तो बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, बोलते गंदा हो गया है। तो बार बार तो हम इस चीज पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। फ्रिज में पानी रखते हुए क्या ये बोतल भागती है या अपनी जगह पे रुकती नहीं है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये रुकने का नाम नहीं ले रही, यानी स्टेबल नहीं होती है, तो इसके लिए ना आप रबर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का रबर नहीं है तो मिठाई के डब्बे के ऊपर जो रबर आता है ना उसका भी आप यूज कर सकते हैं, इससे ये जो बोतल है स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, यानी ये भागती नहीं है, एक बार रुक जाएगी, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे तो मैं इस बोतल को हिला के बता रही हूँ, पर अगर ये फ्रिज में नहीं रुक रही है, बार बार भाग रही है फ्रिज को, जैसे ही हम खोलते हैं बोतलें सारी की सारी बाहर आ है, तो इस रबड़ वाली ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। ये बोतल अपनी जगह स्टेबल, बच्चों के छोटे बच्चों के जब भी हम कपड़े लाते हैं तो उनके साथ ना बेल्ट अक्सर आते हैं, ज्यादातर हम इन बेल्ट का यूज नहीं करते हैं जो कि कपड़ों के साथ आते हैं, तो इन बेल्ट्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो ये टेप वगैरह है इसको इसके अंदर आप लगा दीजिए, जब जरूरत होगी तब आप इस बेल्ट को खोलिए, अपना टेप यूज कीजिए और वापस इस बेल्ट के अंदर लगा दीजिए। इससे जो बेकार पड़ा बेल्ट है इसका भी अच्छे से यूज हो जाएगा, जो टेप वगैरह है ना ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। छोटा सा है कि जरूर यूज करके देखिएगा, अगर छोटा साइज का टेप तो आप छोटी वाली बेल्ट का यूज कर सकते हैं।